बीते दिनों एक खबर आई थी कि टेस्ला चीफ एलन मस्क भारत आने वाले हैं। कयास लगाए गए कि इस दौरे में मस्क पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और इसके बाद देश में एक बड़े निवेश की घोषणा करेंगे। इसके साथ ही कयास ये भी लगाए गए कि भारत में रोजगार के बम्पर ऑफर के साथ ही साथ मस्क देश में टेस्ला की गाड़ियों के लिए शोरूम भी खोलेंगे। लेकिन ये सब कयास ही रह गए जब उन्होंने इस दौरे को कैंसिल कर दिया। अब दौरा कैंसिल करना जितना चौंकाने वाला था, उससे कई ज्यादा चौंकाने वाली बात यह हुई कि मस्क भारत के दौरे को पोस्टपोन कर चीन पहुंच गए। अब यहां एक सवाल आता है कि मस्क ने भारत के बजाय चीन का दौरा क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। देखिए, टेस्ला चीफ एलन मस्क का भारत का दौरा कब था, क्यों था और इससे देश में क्या कुछ बदलाव हो सकता था, इस बारे में हमने आपको डिटेल वीडियो में सब कुछ बताया था। उस वीडियो को आप यहां आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और आपकी सहूलियत के लिए हम उस वीडियो का लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एलन मस्क जो भारत आने वाले थे वो किन फैक्टर्स की वजह से चीन चले गए और चीन टेस्ला के लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है कि एलन मस्क ने भारत का दौरा रोककर चीन की यात्रा की। देखें, ऑटो मार्केट खास करके ईवी मार्केट में चीन की तुलना में भारत का बाजार अभी काफी छोटा है। भारत में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और ह्यूंडई जैसी कंपनियां ईवी पर अपना फोकस शिफ्ट कर रही हैं, लेकिन कुल कारों के मुकाबले ईवी मार्केट अभी कुछ खास नहीं उभर पाया है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2023 में बेची गई सारी कारों में से ईवी कार्स का शेयर केवल 2% का ही है। हालांकि सरकार ने साल 2030 तक का टारगेट रखा है कि भारत में जो भी गाड़ियां बिकेंगी और बनेंगी उनमें 30% का शेयर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हो। लेकिन वही चीन की बात करें तो चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। भारत जहां अभी अपने ईवी के मार्केट को डेवलप करने में लगा है, वहां चीन पहले से ही ईवी के मार्केट में अपने पैर मजबूत कर चुका है। चीन का इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन तक के बाजार को पीछे छोड़ चुका है। साल 2018 में चीन की नीतियों में बदलाव होने के बाद टेस्ला ने चीन के शंघाई में अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अकेले शंघाई के गीगा फैक्ट्री में हर साल टेस्ला की सबसे सक्सेसफुल मॉडल कही जाने वाली मॉडल 3 और मॉडल वाई कार्स की 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। जहां से पहली बार अमेरिका के बाहर से टेस्ला न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को अपनी कार्स की सप्लाई करता है। आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में चीन के नए ईवीस की सेल में 82% की ग्रोथ हुई, जो ग्लोबल लेवल पर ईवी के खरीद का लगभग 60% है। वहीं केवल टेस्ला की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि मस्क की कंपनी ने चीन में 17 लाख से भी ज्यादा कारें बेची हैं। इससे इतर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि चीन में टेस्ला कार चालक सरकारी बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए पाबंदी से जूझ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ सुरक्षा चिंताएं बढ़ रही हैं। कुछ सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक डेटा के सामने आ जाने के डर से इन कारों पर ऐसी जगहों पर पाबंदी है। ये भी कहा गया कि देश भर में बड़ी संख्या में ऑडिटोरियम और एग्जीबिशन सेंटर में टेस्ला की गाड़ियों पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पहले इन गाड़ियों पर प्रतिबंध आमतौर पर सैन्य अड्डों तक सीमित था, लेकिन अब कई और संवेदनशील जगहों पर इन गाड़ियों की एंट्री पर कथित तौर पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। चाइनीज मीडिया चाइना डेली के अनुसार मस्क चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑटोमोबाइल कंपनी के आमंत्रण पर बीजिंग पहुंचे। कयास लगाए गए कि इस दौरे में मस्क ने चीन में टेस्ला पर लगे सभी पाबंदियों को हटाने को लेकर चीनी अधिकारियों से बातचीत भी की। हालांकि अगर ग्लोबल लेवल पर ईवीस की सेल की हम बात करें तो इस मार्केट में चीन का शेयर 50% से भी ज्यादा है, जिसका एक सबसे खास कारण है चीन का बैटरी प्रोडक्शन में डोमिनेंस, जो कि ईवीस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सबसे जरूरी चीज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क की चीन की इस यात्रा में मस्क ने मुलाकात की बैटरी जायंट CATL के चेयरमैन रॉबिन जेंग से। इस CATL के बारे में कहा जाता है कि ग्लोबल लेवल पर बैटरीज बनाने में इनका हिस्सा 2/3 का है, जो टेस्ला के साथ ही साथ वॉक्सवैगन, AG और टोयोटा जैसी कंपनीज को भी अपनी बैटरी सप्लाई करते हैं। वहीं भारत का ईवी मार्केट अभी भी अपने शुरुआती दौर में है और इन ईवीस के इस्तेमाल होने वाले बैटरीज के लिए भारत को इम्पोर्ट पर ज़्यादा आधारित होना पड़ता है। हालांकि भारत में टेस्ला के आने की बातें बीते कई सालों से चल रही हैं,
कभी हाँ कभी ना के बीच टेस्ला अगर भारत में आती है तो टाटा मोटर्स समेत कई दिग्गज कंपनियों को चुनौती मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि मस्क चीन में दबाव का सामना कर रहे हैं क्योंकि वहां की स्थानीय कंपनियों ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है और फिर वहां मांग में भी कमी आई है। ऐसे में वो भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्क को उम्मीद है कि भारतीय बाजारों में उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसे में टेस्ला के लिए भारत उतनी ही अहमियत रखता है जितनी अहमियत भारतीयों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेस्ला का है। वहीं आम जनता के लिए टेस्ला जैसी फैसिलिटीज वाली कार भारत में मिल पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। दावा यह भी किया जा रहा है कि भारत में अपनी कारों को लॉन्च करने के लिए टेस्ला अपने जर्मन प्लांट में राइट हैंड ड्राइविंग कारें भी बना रहा है और दिल्ली या मुंबई में अपना शोरूम भी खोल सकता है। खैर, आपका क्या मानना है? क्या चीन के बाद अब मस्क भारत की डील फाइनल कर पाएंगे और क्या भारत में टेस्ला की गाड़ियों को खरीदारों का अटेंशन मिल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।